नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2018 के फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट 5 अप्रैल को प्रकाशित किया गया। इसमें कड़ी मेहनत करने वाला कौशिक कटारिया, यह परीक्षार्थी बॉम्बे आईआईटी से बीटीच किया था, इसके साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। इस एग्जाम में 759 परीक्षार्थी ने यह एग्जाम पास किया। उसमें 577 पुरुष विद्यार्थी थे और 182 महिलाएं परीक्षार्थी थे। इस सभी को IAS, IPS, IFS आदि पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं में महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करने वाली सृष्टि देशमुख, इन्होंने पूरे देश भर में महिलाओं में पहला क्रमांक हासिल किया है, तो देश में कुल महिलाएं 5वीं क्रमांक हासिल किया है। सर, पहले तो ये कहूँगी कि यूपीएससी देना एक या आईएएस बनना कहूँगी एक बचपन का सपना था, चाइल्डहुड ड्रीम। तो जब बड़े हुए और कॉलेज में आए, थोड़ा जाना इस बारे में कि कैसे क्या होती है परीक्षा, किस सर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है, तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। और कैसे, जैसे मैं आऊँ अगर उस पर कि कैसे मैं कर पाई, तो आई थिंक हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, 5 से 6 घंटे देना हर रोज़ डिसिप्लिन के साथ, और खुद पे एक भरोसा रखना कि हाँ हम कर सकते हैं और लिस्ट में आ सकते हैं। तो वो भरोसा मेरे ख्याल से बहुत, आई थिंक 50-60% वही काम कर जाता है। जब मुझे पता चला कि मेरी 5th रैंक आई है, जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर हूँ, तो मैं थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि पिछली बार से देखा जा रहा था 1st, 2nd, 3rd रैंक पे हमेशा कोई ना कोई लड़की या महिला रहती है, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर अगर मेरी रैंक हो पाती तो मैं सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट उनके उससे वो आ पाती, उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक चुनावी रैली में बिगड़े बोल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि वे अपने जवान को थोड़ा संभाले। राहुल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की एक रैली में पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भाषा की मर्यादा लांघी। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, राहुल जी आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं, आपके बयान ने हमें बहुत आहत किया है, कृपया भाषा की मर्यादा रखने की कोशिश करें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे जहां भी जाते हैं किसी ना किसी की बुराई करते हैं, मोदी जी के गुरु कौन है, आडवाणी जी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।